हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी समेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप RHEL 8.0 में आप उसके टर्मिनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, रेड हैट के लोगो को आप अपने टर्मिनल पर कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके स्टेप्स को आज हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके स्टेप्स जो हैं ये मैंने नोटपैड पे टाइप कर रखे हैं। ये स्टेप्स मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे और ब्लॉग का जो लिंक है वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब ये इंस्टॉल करेंगे आप तो आपको ये कुछ इस तरह से शो करेगा। तो आइए इसके स्टेप्स हम देखते हैं। मैंने अपने सर्वर को SSH किया हुआ, तो सबसे पहले स्टेप हमने गेट इंस्टॉल करना है। yum install git। की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे। जी, स्क्रिप्ट भी डाउनलोड हो चुकी है। इससे अगला स्टेप मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इसकी डायरेक्टरी शो करवा देता हूं। मैं स्क्रीन फैच के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। अब डायरेक्टरी के अंदर जाकर मैं आपको वो स्क्रिप्ट शो करवाता हूं। स्क्रीन फैच, हमने इस फाइल को, ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसे हमने रन करवाना है, ठीक है। लेकिन रन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आपने इसकी परमिशन लाजमी चेक करनी है। अगर ये रीड ओनली में हुई तो ये रन नहीं करेगी। इसको आपने परमिशन, अगर रीड ओनली में होगी तो आप इसकी परमिशन को चेंज करें, एग्जीक्यूशन में लेकर आए। उसके लिए कमांड, पहले मैं आपको इसकी परमिशन दिखा दूँ। ये जो एक्स है ये एग्जीक्यूशन का है, ठीक है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन ना हो तो उसके लिए भी मैंने इधर ये कमांड मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप इस कमांड को रन करके इसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारी यानी कि फाइल की परमिशन जो है वो ठीक है। अब हमने इससे अगला जो स्टेप है वो हमने रन करके देखना। इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, स्क्रीन फैच, आपने जब भी लिनक्स में स्क्रिप्ट रन करनी हो तो उससे पहले डॉट और स्लैश लगाना है और आगे स्क्रिप्ट का नाम। ले जी, ये इंस्टॉल हो चुकी है और आपके सामने उसने रेड हैट का लोगो और आपके सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज हैं, रैम, डिस्क यूजेज, बैश का वर्जन, वो उसने शो किया। अप टाइम भी शो कर रहा वो, और कर्नल का वर्जन भी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा सा मसला वो ये कि आप इसे मैनुअल रन करवा कर ये देख रहे हैं, तो बार बार हम इसे मैनुअली रन तो नहीं करवाएंगे। हम ये चाहेंगे कि जब हम सिस्टम को लॉगिन करें या SSH करें तो ये लोगो शो होना चाहिए, हमें मैनुअल रन नहीं करवानी। तो उसके लिए छोटा सा स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने .bash.rc को ओपन करना है फाइल को, और उसके अंदर इस पाथ को पेस्ट कर देना और सेव करके क्लोज कर देना। तो उसके लिए ये है, ये जो .bash.rc की फाइल है ये आपको रूट की डायरेक्टरी में मिल जाएगी, या आप जिस यूजर से लॉगिन होंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी में ये फाइल अवेलेबल होती है। तो मैं रूट पे ये इसे कस्टमाइज करने लगा हूँ। .bash.rc, इसके एंड पर जाऊंगा मैं फाइल के,
और ये जो पाथ है इसे मैं कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा और इस फाइल को मैं अब रीलोड करूँगा। तो उसके लिए कमांड सॉर्ट्स डॉट बैश सॉर्ट्स। लेकिन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस कमांड को भी मैं उधर स्टेप्स में ऐड कर देता हूँ। मैं अब आखिरी स्टेप एग्जिट टर्मिनल एंड लॉग इन अगेन। ठीक है, हम इसे एग्जिट करते हैं। ठीक है, और नया सेशन ओपन करते हैं तो देखते हैं ये शो होता है या नहीं होता। ले जी, सक्सेसफुल ये रन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप इसे मेरे ब्लॉग से आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।